हाय फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पे, जो कि सूजी और मिक्स वेजिटेबल्स का बहुत ही बढ़िया नाश्ता होता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, बहुत ही कम ऑयल का। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी सूजी। आप किसी भी एक मेजरिंग कप से नाप सकते हो, और उतना ही दही, और उसी दही वाले ही मैंने मेजरिंग कप में उतना पानी ले लिया। तो उसमें एक कटोरी पानी डाला मैंने और एक कटोरी दही डाला। अब इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, और इसको जस्ट विस्क करके हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। बट इसको विस्क बहुत अच्छे से करना, जैसे कि सूजी, दही और पानी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि सूजी जो है वो पानी पीती है तो सूखी सूखी हो जाएगी बाद में। इसलिए इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हमने रख देंगे थोड़ी देर के लिए एक गर्म प्लेस पे, या फिर कैसे भी आप नॉर्मल भी रख सकते हो। अब एक साइड में मैं ले लूँगी कुछ वेजिटेबल्स। उसमें मैंने अनियन लिया हुआ है, कुछ टमाटर, कैप्सिकम और गाजर। आप चाहो अपने हिसाब से कॉर्नस डाल सकते हो, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगें वो सब्ज़ियाँ आप इसमें डाल दो। और वो बैटर जो है मैंने 15 मिनट्स रखा हुआ था, उसके बाद में उसी बैटर में मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ कर दी मिक्स। कि 15 मिनट में जो हमारा बैटर था वो फूल चुका होगा, इतना इनफ होता है 15 मिनट, बहुत ज़्यादा आधा घंटा। अब इस तरीके से सारी सब्जियाँ मैं उस बैटर में डाल दिया, और इसको अब करेंगे हम मिक्स। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप देख रहे हो मेरा बैटर कितना गाढ़ा हो चुका है 15 मिनट में ही, सूजी ने सारा पानी जो है वो पी लिया है। तो अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा वाटर यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हो। बट इसमें पहले मैंने डाला नमक, क्योंकि नमक भी पानी छोड़ता है। थोड़ी सी हींग डालने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला, इस तरीके से हम उसको स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और अगर हमारा बहुत गाढ़ा है तो हल्का सा पानी। अच्छा फ्रेंड्स, कभी अगर पानी आपका ऐसा हो जाता है, ऐसे ये गाढ़ा हो गया, कभी होता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है, बहुत पतला बैटर हो जाता है, तो अप्पे नहीं बन पाते, वो बहते हैं, तो उस समय आप बेसन का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें बेसन भी मिक्स कर सकते हो बाई चांस, अगर बहुत गाढ़ा या फिर पतला हो जाए तो। गाढ़े में तो आप पानी यूज़ कर सकते हो। अब इस तरीके से हमारा पूरा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब एक साइड मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। तड़के के लिए या तो आप घी ले सकते हो, बच्चों के लिए बना रहे हो तो घी ले लो, बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप कुछ भी ऑयल ले सकते हो, कोई भी हेल्दी ऑयल। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम राई, और राई के बाद में हल्का सा डालेंगे हम हींग, क्योंकि हींग हर चीज़ में हम डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती ही है। और इसको अच्छे से भुनने देंगे, क्योंकि जो राई है जितनी भुनती है ना, उतनी ही जब हम अप्पे खाते हैं तो जो हमारे दांत में आती है ना, वो बहुत यमी लगती है। अब इसमें डालिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, इसको भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, उसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, अदरवाइज़ बहुत धुआं हो जाता है और वो गले में अटकता है। अब इसमें हल्की सी लाल मिर्च डालने के बाद पूरा तड़का मैंने डाल दिया हमारे बैटर में, और इस बैटर को अच्छी तरीके से तड़के में हम अब कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में अब ये लास्ट से मैंने डाला है इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग सोडा यूज़ कर लो। और इनो को यूज़ करने का तरीका यही होता है कि हल्का सा एक स्पून मैंने डाला, और उसमें हल्का सा पानी के साथ में ऐड किया, तो ये जो हमारा पूरा बैटर है वो फूल जाता है। अब ये लिया मैंने अप्पे का स्टैंड, और उसमें ब्रश से ऑयलिंग कर ली। आप चाहो तो इसमें स्पून भी डाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आप वो भी डाल सकते हो। अब ये सब में ऑयल लग चुका है। अब इसमें हम धीमे धीमे सब में डाल देंगे पेस्ट। पेस्ट जो है वो ऊपर तक ही डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अप्पे फूलते नहीं हैं। अब इस तरीके से मैंने सारे जितने भी हमारा स्टैंड है उसमें पूरे में अप्पे का जो भी बैटर था वो मिक्स कर दिया। अब इसको हम रख देंगे 3 या 4 मिनट्स के लिए गैस पे, हाँ बिल्कुल धीमी आँच में ढक के रख देंगे। अब ये 3 से 4 मिनट हो गए, हम खोल के देखते हैं तो हमारे जो अप्पे हैं वो देखते हैं एक बार को पलट के हुए हैं कि नहीं। हाँ ये हो चुके हैं, तब एक साइड से हो गए। अब हम उसका जो दूसरा साइड है ना, उसमें भी ऑयलिंग कर देंगे। इस तरीके से ऑयलिंग को लगा देंगे जितने भी हमारे अप्पे हैं उन सब में। ये करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो दूसरा हमारा साइड होता है ना अप्पे का, वो पकता नहीं है,
तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब इसको धीमे से पलट देंगे वापस से। ये मैंने थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, अगर आपको और अच्छे बनाने हैं तो आप और ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा करके ऊपर तक भर के रख दो। और मैंने थोड़े क्रिस्पी ज़्यादा किए हैं क्योंकि मुझे थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है। अगर आपको कम क्रिस्पी पसंद है तो आप जल्दी से भी पलट सकते हो, 2 या 3 मिनट के बाद ही पलट सकते हो। मैंने 4 to 5 मिनट इसको बनाए थे तो ये एकदम ही क्रंची क्रंची बने होंगे। अब वापस से पलट के देखते हैं कि हमारे अप्पे जो हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं दोनों साइड से। तो अब हम धीमे से इनको गैस ऑफ करके, अगर आप चाहो तो 2 मिनट और रख सकते हो, उसके बाद निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो अप्पे हैं वो बिल्कुल तैयार है। और ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, सूजी होती है और हमारा दही होता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा केमिकल्स या फिर कुछ भी नहीं डलता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर बनाएं, और मेरी रेसिपी कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और रेसिपी ट्राई करें। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।